हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी जने तैयारी में लग रहे होंगे जेई मेंस की। जैसा कि आप जानते हैं, जेई मेंस 2022 इस बार दो अटेम्प्ट में होंगे। पहला अटेम्प्ट आपको जून में दिया जाएगा, दूसरा अटेम्प्ट आपको जुलाई में मिल रहा है। जून अटेम्प्ट जो कि टोटल 10 दिन तक चलने वाले एग्जाम है, वो 20 से 29 जून के बीच में है। जुलाई में भी ये पेपर 10 दिन चलेगा, जिसकी डेट्स हैं 21 to 30 जुलाई। टोटल 20 दिन चलने वाली इस एग्जाम के अंदर शिफ्ट होंगी 40। इन 40 शिफ्ट के अंदर डेफिनेटली पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे 100 परसेंटाइल लाने वाले स्टूडेंट्स के। पिछले साल 44 स्टूडेंट्स ने सिक्योर किया था 100 परसेंटाइल, तो बच्चों हमारा मानना है कि इस बार मोर देन 50 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 100 परसेंटाइल आएंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको अभी एक टेबल बताता हूँ। उस टेबल से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि किस तरह से इस बार 50 स्टूडेंट से ज्यादा होंगे जिनके 100 परसेंटाइल आएंगे। तो देखिए आप एक टेबल, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, 2019 में ये पेपर दो बार हुआ था और शिफ्ट हुई थी टोटल 12। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे लगभग 8,75,000 के करीब और 100 परसेंटाइल लाने वाले 24 विद्यार्थी थे। 2020 में नंबर ऑफ अटेम्प्ट थे 2 और नंबर ऑफ शिफ्ट थी 12। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर इन डेट एग्जामिनेशन 8,69,000 के अराउंड और 24 विद्यार्थियों के 100 परसेंटाइल आए थे। 2021 में नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको 4 मिले थे ड्यू टू कोविड पेंडेमिक की वजह से। नंबर ऑफ शिफ्ट जो है वो 26 हुई थी और लगभग 7,32,000 के आसपास स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे और 44 स्टूडेंट ने सिक्योर किया था 100 परसेंटाइल। इस बार 2022 के अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको 2 मिल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट जो मॉर्निंग इवनिंग में मिलाकर के 40 है। लगभग 8,80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें अपेयर होने वाले हैं, तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो बच्चों आपने इस तरह का एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस देखा, और अगर इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप हमसे देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, टीपी लाइव कोटा से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।